इन दिनों हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आने लगी है। आग बुझाने में जन सहभागिता ना होने से वन विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमियों ने मांग उठाई है कि वन विभाग लोगों के साथ मिलकर जंगल में लगने वाली आग को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाए। लोगों ने मांग की है कि आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि वन संपदा, वन्य जीव जंतुओं एवं लोगों को जंगल में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान से निजात मिले। पंचायत समिति सदस्य अमला कश्यप ने बताया कि आगजनी से जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और लोगों की संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए वन विभाग कोई पुख्ता व्यवस्था करे और लोगों को भी सचेत किया जाए, ताकि जंगलों में आग ना लगे। वहीं किरण शर्मा ने बताया कि इन दिनों जंगलों में आग लग रही है, इसलिए विभाग सचेत होकर जंगलों पर नजर रखे और आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि हमारे जंगल बच सके। आजकल हम जैसे कि देख रहे हैं, हमारे जो जंगल है, जंगलों में आग लग रही है, जिसकी वजह से हमारे जंगल में जो जानवर रहते हैं और हमारे जो वहाँ पे जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, उनका उनके जान माल का जो नुकसान हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। अफसोस की बात है कि विभाग की तरफ से इसके लिए कोई एक सटीक जो है प्रावधान नहीं हो पाया है अभी तक। तो मैं विनती करती हूँ विभाग से कि बहुत जल्दी इसके लिए जो है कोई इस तरह का प्रावधान किया जाए, ताकि जंगलों को आग लगने से बचाया जा सके। और लोगों से भी मैं ये अपील करती हूँ, कृपया करके वो साथ दें, और जहाँ जहाँ भी जंगलों में आग लग रही है, जहाँ भी हमारे बेचारे बेजुबान जीव जंतुओं का जो जान का नुकसान हो रहा है, उन चीज़ों को बचाया जा सके। और अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग अपने जो स्वार्थ के लिए हैं जंगलों में आग लगाते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। तो मैं उन लोगों से अपील करती हूँ, कृपया करके ऐसा ना करें, बेजुबान जानवरों की जो जान को जोखिम में ना डालें। और विभाग से मैं ये विभाग से मैं ये एक आवेदन क्या बोला। मेरा नाम किरण शर्मा है, मैं हरंदल की निवासी हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे जंगलों में आग लग रही है, इससे हमारे जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, और पेड़ पौधे जल रहे हैं, और भी बहुत जैसे घास जल रहा है, जीव जंतु मरते हैं छोटे छोटे। हम वन विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे कोई एक्शन लें, जिससे हमारे जंगल बच सके और जैसे हमारे पेड़ पौधे बच सके, जीव जंतु की रक्षा हो सके। वहीं वन मंडलाधिकारी विकल्प यादव ने बताया कि इस बार सर्दियों के मौसम में अब तक की स्थिति को देखते हुए बारिश काफी कम हुई है। इन हालात में वन क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं बढ़ सकती है। आगे के एक आध महीने में हर एक रेंज स्तर पे एक ऐसी थोड़ी लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ मिलके एक कार्यशाला का करवाई जाए, जिससे थोड़ा और लोगों को इस बारे में सूचित किया जा सके कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं फॉरेस्ट फायर को बचाने के लिए। जिस तरह कोई आग की घटना होती है तो विभाग तक संपर्क कैसे करें, कोई इस तरह के नंबर्स? हाँ, तो हैं हमारे पास, जनरली प्रधान के थ्रू लोकल गार्डों से भी संपर्क हो जाता है, बट हम इस बार ये भी कोशिश करेंगे कोई एक सेंट्रलाइज नंबर सा भी एक प्रचार किया जाए कि इस नंबर पे कॉल करने से उनकी अगर कोई समस्या होगी या वो कोई सूचना देना चाह रहे होंगे तो वो तत्काल दे पाएंगे। तो अभी तक जो आगजनी हो रही है उसमें कितना प्रयास हुआ है, किस तरह के? अभी तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, मतलब 4-5 एरियाज़ की आ गई है ऑलरेडी, थोड़ा बहुत एक आध जगह में, थोड़ा प्लांटेशंस में भी नुकसान हुआ है। हमारा स्टाफ निरंतर कोशिश कर रहा है, और मैंने इनको इनफैक्ट ये भी बोला है कि जो भी प्लांटेशंस एरिया हैं उनमें खास करके घास अपने स्तर से पहले ही काट के रखें, ताकि एटलीस्ट जो सरकार के पैसे के थ्रू प्लांटेशंस की गई हैं उनको बचाया जा सके। और सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।